विदर्भ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब विकास के लिए तरस रहा है। देश भर से यहाँ आने वाले वाहन चालकों को खड्डे वाली सड़कों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही बारिश में ट्रांसपोर्ट की सड़क गड्ढे में तब्दील हुई है। शुक्रवार को ही बारिश ने शिवाजी नगर ट्रांसपोर्ट गोडाउन में पानी घुसने से लाखों रुपए का माल बेकार होने की जानकारी ट्रांसपोर्टर संतोष केचे अन्ना ने दी। बताया कि नगर परिषद को कई बार सड़कों के बारे में शिकायत की है। ट्रांसपोर्टर टैक्स अदा करते हैं, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई सुविधा नहीं होने से ट्रांसपोर्टर बरसात के दिनों में परेशान होते हैं। 30 वर्ष से ट्रांसपोर्टर की सड़कें नहीं बनी है। वाड़ी में जाना माना ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों ट्रकों का आवागमन दिन भर चलते रहता है, जिसके कारण यहाँ की सड़कें खराब हुई है। सीमेंट सड़कें बनाने की आवश्यकता है, लेकिन आज तक नगर परिषद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाने से ट्रांसपोर्टरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में पानी निकासी के लिए कोई उपाय योजना नहीं होने से बरसात का पानी गोडाउन में घुस जाता है। शहर में शिवाजी नगर में व वाड़ी शहर के भीतर सैकड़ों ट्रांसपोर्टर बसे हैं। ट्रांसपोर्टरों से लाखों रुपए कर के माध्यम से उत्पन्न मिलता है, फिर भी नगर परिषद ट्रांसपोर्टरों को सुविधा नहीं मिलने से ट्रांसपोर्टरों ने नाराजगी जताई। वाड़ी के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में सीमेंट सड़कों का निर्माण करने की मांग ट्रांसपोर्टर संतोष केचे इनके साथ सभी ने की है। प्रशासनाला वेळोवेळी माहिती देऊन सुद्धा या ट्रांसपोर्ट एरियामध्ये रोड नसल्यामुळे मोठमोठे खड्डे झालेले आहेत। ट्रान्सपोर्टवाल्यांचं भरपूर नुकसान होते आहे। आमच्या माझ्या गोडाऊनला काल 4 दिवस पहिले पण पाणी आला होता, तेव्हा पण पाणी गेलं। गोतमाऱ्याची माहिती दिली होती, गोतमाऱ्याने सांगितलं की बघ 1-2 दिवसात मी माणूस पाठवून तिथं व्यवस्था करतो, पण अजूनपर्यंत काही पाठवलेलं नाही। काल पाणी आला, काल पण पाणी आमच्या गोडाऊनला गेलं। 1-1.5 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। काही लक्ष देत नाही। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।